हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये मल्टी कलर में बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान डिज़ाइन है, बिगनर्स भी इसको आसानी से बना लेंगे। तो देखिए, इसमें फ्रेंड्स मैंने ये जो हमारे पास थोड़ी थोड़ी ऊन बच जाती है उसको मैंने इसमें यूज किया है। और देखिए, इस पे ये झालर बनाई है और आप इसको किसी भी साइज़ में बना सकते हो, बड़ा और छोटा। पूजा का आसन बनाना है तो आप इसको बड़ा बना लीजिए और झालर का साइज़ भी आप अपनी चॉइस से इसमें रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर ये डिज़ाइन पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और डिज़ाइन को समझने के लिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, तब ये डिज़ाइन आपकी समझ में आएगा। पूरा मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताया है, फंदे डालने से लेके सिलने तक इसका मैंने पूरा मेथड इसमें बताया है ताकि बिगनर्स को कोई भी प्रॉब्लम ना आए बनाने में। तो चलते हैं, डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसे बनाने के लिए मैंने 9 नंबर की नीडल्स का देखिए मैंने इसमें यूज किया है और मेरे पास पुरानी ऊन है तो मैंने इसको डबल किया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम इसमें फंदे डाल लेंगे। बिगनर्स के लिए बता रही हूँ मैं, जिसको डालने आते हैं वो आप जैसे डालते हो वैसे डालिए। देखिए, सबसे पहले हमने एक इसमें सिंपल नॉट लगा ली। राइट हैंड में नीडल पकड़ लेंगे, लेफ्ट में अपना थ्रेड ले लेंगे ऐसे। ये देखिए, बिल्कुल ही सिंपल तरीके के फंदे बताऊँगी। एक हमारा नॉट से हो गया, देखिए, दो, तीन, चार। ये देखिए, बहुत ही आसान है। इसमें से ऐसे निकाल के इसमें बीच में से ऐसे निकाल दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें 24 फंदे डालूँगी। ये देखिए, इसी तरीके से मैं इसमें फंदे डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का बताऊँगी। ये देखिए, ऐसे ही आप भी इसमें फंदे डाल लीजिए। ये देखिए, 24 फंदे फ्रेंड्स मैंने इसमें डाल लिए हैं। आपको जितना भी बड़ा बनाना है आप इसमें उतने फंदे डालिएगा। जोड़े से फंदे आप इसमें डाल लेना। ये देखिए, सबसे पहले फर्स्ट रो, बेसिक रो हम ऐसे ही बनाएंगे, इसमें कोई फंदा नहीं घटाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे। ये देखिए, ऐसे ही मैं उल्टा उल्टा बना के ये पूरी रो कंप्लीट करूँगी। इसको मैं बना लेती हूँ। ये देखिए, लास्ट तक मैंने सारे ही फंदे बना लिए हैं। अब इस साइड से भी इस रो को मैं ऐसे ही कंप्लीट करूँगी। फर्स्ट वाला ऐसे उतार लेंगे और ये पूरी रो मैं ऐसे ही उल्टा उल्टा बना के इसको भी मैं कंप्लीट करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने दोनों साइड से एक एक रो बना के कंप्लीट कर लिया है। टोटल मैंने 2 रो इसमें बनाई हैं। अब देखिए हमें क्या करना है। अब हम अपने लटकने वाली झालर बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे, ऐसे फंदे हम इसमें आगे बढ़ा लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैंने 8 फंदे बढ़ाए फ्रेंड्स। अगर आपको छोटी बनानी है, जैसी आपको पसंद हो उतने ही फंदे आप इसमें आगे बढ़ा लीजिए। लंबी बनानी है तो आप बड़ा बना रहे हो तो आप यहाँ पे 10 फंदे भी झालर के बढ़ा सकते हो, वो आप अपनी चॉइस से बढ़ा लीजिए। अब हम इनको ऐसे बना लेंगे, ध्यान से देखिए, आराम से बनाएंगे बिल्कुल। अगर आपको टाइट लगे तो आप इसको ऐसे लूज कर लीजिए। ये देखिए, सारे फंदे हमने बना लिए। अब इसको नीचे तक उल्टा उल्टा बनाएंगे। सारे ही फंदे मैं बना लूँगी, एंड में 3 फंदे छोड़ दूँगी। 3-3 फंदे छोड़ते हुए हम इस कली को बनाएंगे।
अगर फ्रेंड्स आपको चौड़ी कली बनानी है तो आप यहाँ पे दो दो फंदे भी छोड़ सकते हो, और पतली बनानी है तो आप तीन तीन या चार चार, उसी हिसाब से आप अपना फंदे का पैर बना लीजिए। देखिए इस साइड से भी मैं इस रो को उतार के कंप्लीट करूँगी, देख लीजिए एक बार। हर बार हमने इसको ऐसे ही बनाना है, दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए जो हमने फंदे बढ़ाए थे उनको भी हम ऐसे उल्टा उल्टा बना लेंगे, ध्यान से देखिए। सारे ही फंदे हमने बना लिए, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब ये फंदे हम घटा देंगे। तो देखिए दो का एक किया, एक वापस डाल लेंगे, ये दूसरा घटा दिया हमने, दो, ध्यान से देखिए, तीन, चार, पाँच, छः, सात और ये आठ। आठ फंदे, जितने फ्रेंड्स आप फंदे बढ़ाओ उतने ही आपने यहाँ पे वाइंड ऑफ करने हैं। ये देखिए ये हमारी झालर दिखाई देगी अब आपको, और आगे के हम ये सारे फंदे बना लेंगे। बिगिनर्स भी फ्रेंड्स इस डिज़ाइन को बहुत ही आसानी से डाल सकते हैं, आप इसका थालपुस भी बना सकते हैं, जो भी आपका मन करे अपने प्रोजेक्ट में इस डिज़ाइन को आप डाल सकते हो। देखिए तीन हमने पहले छोड़े थे, तीन हम और छोड़ देंगे, तीन तीन फंदे छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। फर्स्ट वाले को ऐसे उतार लेंगे और इस पूरी रो को मैं कंप्लीट करूँगी। ये देखिए अब फिर से हम सीधी साइड में आ गए हैं। फिर से फ्रेंड्स हम ऐसे ही फंदे बढ़ाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। आठ आठ फंदे आपने बढ़ाने फ्रेंड्स, ये कम ज़्यादा नहीं करने, नहीं तो इनका साइज बड़ा छोटा बन जाएगा। ये देखिए फिर से हम इनको बनाएंगे एक बार और देख लीजिए, फिर मैं इस कली को पूरा करके दिखाऊंगी आपको। ये देखिए सारे ही फंदे हम ऐसे बना लेंगे। मेरे हाथ से भी फ्रेंड्स टाइट फंदे डलते हैं, ये देखिए ये सारे ही हम बना लेंगे। ये पीछे के तीन तीन फंदे छोड़ते हुए फ्रेंड्स हम बिल्कुल ऊपर तक आ जाएंगे। देखिए छह फंदे हमने छोड़ लिए हैं, तीन हम इस बार और छोड़ देंगे। ये देखिए तीन पहले छोटे, फिर और तीन हम इसमें छोड़ देंगे और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। इस रो को मैं बना के कंप्लीट करूँगी। ये देखिए पूरी रो बना ली, एक बार फिर से देखिए फ्रेंड्स, फिर से हम फंदे घटाएंगे। ये देखिए एक वापस डालेंगे, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और ये आठ। ये देखिए ये दो बन गई फ्रेंड्स हमारी, दो इस कली में और बनेंगी तो मैं वो दो बना लेती हूँ और एंड तक बनाऊँगी और तीन फंदे में फिर से छोड़ दूँगी। पीछे हम तीन तीन छोड़ते हुए एंड में बिल्कुल यहाँ तक आ जाएंगे और इसमें दो और ऐसे ही, आप इनको खुंगरे भी बोल सकते हो फ्रेंड्स, लटकन वाली झालर भी बोल सकते हो। तो
मैं ये दो और बना लेती हूँ, इस कली को कंप्लीट करूँगी, फिर मैं आपको आगे का बताऊँ। ये देखिए तीन मैंने बना लिए फ्रेंड्स, ये चौथा है, और ये देखिए यहाँ तक हम फंदे छोड़ते हुए आ गए हैं, ये तीन फंदे लास्ट के बचे हुए हैं। अब देखिए कली हमारी कंप्लीट हो गई है, फिर से हम फंदे अपने इसमें घटाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, आठ फंदे घटा के, और फ्रेंड्स ये सारे ही फंदे हम बना लेंगे नीचे तक। ये देखिए जितने भी आपने अपने प्रोजेक्ट में फंदे डाले हैं, इस कली को आप ऐसे ही बनाते जाइए। मैंने तीन तीन का पेयर बनाया है, आप यहाँ पे चार चार का पेयर भी बना सकते हो, जैसे 40 फंदे का बनाओ तो आप चार चार फंदे छोड़ दीजिए। ये देखिए सारे फंदे मैं एंड तक बना लूँगी। अगर आपको फ्रेंड्स ये एक कलर से बनाना है तो आप इसी कलर को आप दोबारा फिर से स्टार्ट कर लीजिए, और अगर आपको मल्टी कलर में बनाना है और कोई इसमें कलर लगाना है तो वो अब हम बैक साइड से लगाएंगे। ये देखिए एक बार की कली हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। जितने मर्जी आप चाहे इसमें कलर लगा सकते हैं। कली कंप्लीट होने के बाद देखिए मैं यहाँ से इसमें एक कलर और लगाऊंगी, आप इसकी यहाँ पे नोट लगा लीजिए, मैं इसको ऐसे ही अंदर दबा दूँगी, इसको आप ऐसे टाइट कर दीजिए, येलो को भी आप ऐसे अंदर ले आइए, और इसको थोड़ा सा आप अंदर अगर नोट नहीं लगाओ तो ऐसे दबा लीजिए। बैक साइड से भी बहुत सफाई के साथ हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए पूरी रो फ्रेंड्स मैं ऐसे ही दूसरा कलर लगा के कंप्लीट करूँगी। जब भी आप कलर लगाओ तो बैक साइड से आप इसमें कलर लगाइएगा। साड़ी और चुन्नी से भी फ्रेंड्स आप इसको बहुत ही अच्छे से बना सकते हो। ये देखिए अब फिर से हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे जैसे नीचे बढ़ाए थे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। ये देखिए एक बार और देख लीजिए सारे फंदे हम ऐसे बना लेंगे। जो हमारे पास फ्रेंड्स थोड़ी थोड़ी ऊन बच जाती है कोई भी प्रोजेक्ट बना के, तो इस डिज़ाइन में हम उसको बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं। जितने मर्जी आप इसमें कलर भर लीजिए, बहुत ही सुंदर इसकी लुक आएगी। जो आपके पास ज़्यादा कलर है आप उसको डबल भी इसमें यूज कर सकते हो। ये देखिए और नीचे तक हम इसको बना लेंगे। ये देखिए दूसरी कली की फ्रेंड्स मैंने आपको स्टार्टिंग करके दे दी है, इसको मैं कंप्लीट करूंगी, फिर मैं आपको इसको बंद करना बताऊंगी, जोड़ना बताऊंगी। ये देखिए तीन फंदे हम फिर से छोड़ देंगे और यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। इस पूरी रो को मैं कंप्लीट करूंगी। ये देखिए फिर से हम फ्रेंड्स इसमें घटा देंगे जैसे नीचे घटाए थे, आठ के आठ फंदे, एक दो तीन चार
पांच छः और सात और ये लास्ट आठ। हर बार आपने आठ फंदे ही फ्रेंड्स इसमें घटाने हैं, ये देखिए। और इस कली को आप ऐसे तीन तीन फंदे छोड़ते हुए कंप्लीट करिएगा। फिर जब आपको दूसरा कलर लगाना है तो बैक साइड से लगाइए। तो फ्रेंड्स मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे का दिखाऊँगी। ये देखिए इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है, ये लास्ट कली है ये मेरी। यहाँ पे हम इसको फंदे बंद करके जोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कलर के बाद मैंने कलर ऐसे लगाए हैं, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था यहाँ तक, फिर ये ऐसे एक कलर मेरे चार बार यूज हुआ है, तो ऐसे आमने सामने हमारे कलर सेट हो गए हैं। और इसमें मैंने 24 फंदे डाले थे और आठ फंदे हमने ऊपर ये झालर के बढ़ाए थे, तो इसकी ये देखिए चौड़ाई 32 फंदे की हो गई है। काफ़ी बड़ा बन के ये कम्प्लीट हुआ है और देखिए देखने में काफ़ी सुंदर है। तो ये देखिए लास्ट के जब ये हमने अपना ये झालर बनाई थी तो ये लास्ट के फंदे मैंने घटा के आठ, और मैं जो तीन तीन करके छोड़ रखे थे सारे फंदे मैंने इस साइड से रो उतार ली है। अब देखिए हम ये फंदे सारे ही बंद कर देंगे। दो फंदे का एक किया, वापस डालेंगे। देखिए सारे ही फंदे हम ऐसे बंद कर लेंगे। और जब आप साड़ी और चुन्नी से इस डिज़ाइन को बनाओगे फ्रेंड्स तो ये और भी बड़ा बन के कम्प्लीट होगा, क्योंकि वो कपड़े की पट्टियाँ मोटी होती हैं, तो इसकी चौड़ाई 32 फंदे की भी काफ़ी बड़ी बन जाएगी। और अगर आपको और बड़ा बनाना है पूजा का आसन वगैरह तो आप इसको 40 फंदे का भी बना सकते हो। ये देखिए ऐसे ही मैं ये सारे फंदे बंद कर लूँगी। ये देखिए तो मैं इसको कर लेती हूँ। ये देखिए लास्ट में आ गई हूँ मैं। और ये जो हमारा थ्रेड है इसको इसमें से निकाल के हम पक्का कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा बैक साइड से भी काफ़ी सफाई के साथ हमारा ये बनके कंप्लीट हुआ है। अब हम इसको सीधी साइड अंदर की तरफ करेंगे, ऐसे हम इसकी सिलाई करेंगे। ऐसे बिल्कुल मिला लेंगे ऐसे कॉर्नर। ये झालर को हम छोड़ देंगे, यहाँ तक हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए ये आगे हमारी दोनों साइड की झालर है, तो मैं इसको यहाँ से सिलना शुरू करूँगी। इसमें मैं धागा डाल लेती हूँ सुई में। ये देखिए बिल्कुल हम यहाँ से ऊपर से इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। आप ऐसे ऊपर से अच्छी तरह इसको पक्का कर लीजिए। अब हम इसको ऐसे इसकी सिलाई करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप सिलते हो वैसे सिलिए। देखिए ये हमारी आपको चेन दिखाई देगी, एक बार इस साइड से उठा लीजिए और एक बार इस साइड से। अब जैसे सिलते हो वैसे आप इसको सिल लीजिए। तो फ्रेंड्स मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सिल के फिर मैं आपको इसको सीधा करके दिखाऊंगी। ये देखिए बिल्कुल फ्रेंड्स मैं यहाँ तक आ गई हूँ इसको यहाँ से यहाँ तक सिलते हुए। और अब ये है, अगर आपको फ्रेंड्स यहाँ पे बीच में कोई फ्लावर लगाना है तो आप वो लगा सकते हो, और अगर आपको इस होल को बंद करना है तो आप वो भी इसको ऐसे कर सकते हो। ये देखिए ऐसे हम इसको बंद कर देंगे। ये देखिए ये पूरा हमने होल बंद कर दिया है। अब इसको हम पक्का कर देंगे।
पक्का करके इसको थ्रेड को काट देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर इसकी लुक आई है, कोई इसमें झोल नहीं है, ये आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना, आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए इसे, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।